आज की जो ये वीडियो है ये आपके लिए एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वीडियो हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इस वीडियो को पूरा देख सके और जो मैं इसके अंदर बोलने जा रहा हूँ आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके अपने जीवन में, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को छोड़ दीजिए, यह आपका कोई फायदा करने वाली नहीं है। एक बार की बात है कि एक शिकारी था, वो शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया और शिकार करते टाइम उसने एक लोमड़ी को मार दिया। जब उसने लोमड़ी को मारा ही था तो अचानक से उसको पता चला कि उस जंगल से राजा गुजरने लग रहा है। अब जो राजा रहते हैं, राजा अकेले तो चलते नहीं है, राजा के साथ पूरा उनका वो चलता है कि उसके मंत्री सैनिक सब चलते हैं, तो गुजर रहे थे। अब इस शिकारी ने देखा कि अगर राजा को यह पता चल गया कि इस लोमड़ी पे तीर मैंने चलाया है तो ये राजा मुझे पनिश करेगा। तो इसीलिए उस शिकारी ने क्या किया, जाके और उस लोमड़ी को अपनी एक चद्दर से ऐसे ढक के और उसके पास बैठ गया। अब जो लोमड़ी थी वो घायल थी, वो मरी हुई नहीं थी। अब आप सोच सकते हैं घायल लोमड़ी के ऊपर अगर कोई चद्दर रख के बैठा हुआ है तो क्या हाल होगा उसका। वो लोमड़ी इस शिकारी को काटने लगी और जब तक ये राजा वहां से निकल के गया तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। ये जो लोमड़ी है ये इस शिकारी को बहुत ही ज्यादा खा चुकी थी। इस तरीके की सिचुएशन हमारे जीवन में भी होती है, हम इस शिकारी की तरह हैं और जो हमारी गंदी आदतें हैं, जो हमारी बैड हैबिट्स हैं वो इस लोमड़ी की तरह रहती हैं। वो हमें हरदम खाए जा रही है अंदर से, लेकिन हम किसी को बताना नहीं चाहते, हम किसी को शेयर नहीं करना चाहते। हमें डर लगता है कि अगर मैंने अपनी गंदती आदतों के बारे में किसी को बताया तो उन लोगों के सामने मेरी इज्जत गिर जाएगी, उनको ये लगेगा कि अरे ये कैसा बंदा है, ये क्या करने लग रहा है। लेकिन मैं आपको दोस्तों एक बात बताता हूँ, 90% लोग इस दुनिया में इन सब बुरी आदतों से जूझने लग रहे हैं और अगर हम इनकी हेल्प, इस तरीके की आदतों से बचने के लिए हेल्प नहीं लेंगे तो जैसे वो शिकारी उसको खा गई थी वैसे ही हमें भी खा जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं सुमित राठी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स जो अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो वो आपको इन गंदी आदतों से, बुरी आदतों से निकलने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी और जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं आप उसको अचीव कर पाएंगे। मैं पिछले 10 साल से हजारों बच्चों को IIT के लिए मेंटर कर चुका हूँ और हजारों बच्चे ही IITs में जा चुके हैं और उन सब के साथ जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए उन सब के कारण ही मैं आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एक प्रैक्टिकल फॉर्मेट में लेके आने लग रहा हूँ। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम लोग कई बार मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं और मोटिवेशनल वीडियोस में लोग कहते हैं कि अगर आपका पर्पस क्लियर है तो ये हो जाएगा, आपका माइंड बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूँ हम यहाँ पे कोई भी साधु महात्मा नहीं है कि हमारा मन ऐसा हो कि वो कभी एजिटेट ही ना हो। हमें इसीलिए बाहर की जरूरत पड़ती है, हमें ऐसे सर्कमस्टांसेस जनरेट करने पड़ेंगे ताकि हमारा मन इवन दो एजिटेट हो जाए, एजिटेट हो भी जाए, डिस्टर्ब हो भी जाए, फिर भी हम उनके ऊपर एक्शंस ना लें। और अगर हमने उनके ऊपर एक्शंस नहीं लिया तो हम बहुत आसानी से अपनी गंदी आदतों से, बुरी आदतों से बाहर निकल पाएंगे। जो गंदी आदतें हैं ये हमारे जीवन में एंट्री तो लेती हैं, कैसे, एक निडिल की तरह, एक सुई की तरह, लेकिन जब बाहर निकल के आती हैं तब ये एक तलवार की तरह हमारे ऊपर हमला करते हुए आती हैं। आप देखिए कि जब आप फोन चलाने लगते हैं तो आपको लगता है कि मैं एक मिनट के लिए पढ़ लेता हूँ, एक मिनट के लिए की वीडियो देख लेता हूँ, उससे मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, और वो एक मिनट की वीडियो क्या करती है आपके जीवन में, वो एक घंटा आपका वेस्ट करवा देती है। तो गई तो वो एक सुई की तरह थी गंदी आदत आपके अंदर और वो जब बाहर निकल के आई तो जैसा तलवार घायल करके आती है, हमें वैसे करके आ गई है। और फिर उसके बाद हमें रिग्रेट होता, हम लोग पछताते हैं कि मैंने ये क्या किया। पछताना देखिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन
अगर आप उसके लिए स्टेप्स नहीं ले रहे हैं कि आपको दोबारा से ना पछताना पड़े, तो ऐसे पछताने का कोई फायदा नहीं है। तो हमें जब भी हम लोग ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं और जब हम उस परिस्थिति से बाहर आते हैं, तो हमें कुछ स्टेप्स ले लेने चाहिए ताकि हम बाद में ऐसी परिस्थिति के अंदर ना फंसें। एक कहावत है, स्वेट इन द टाइम ऑफ पीस सेव्स ब्लड इन द टाइम ऑफ वॉर। तो अगर आप, जब आपका माइंड एक जगह पे केंद्रित है, भगवद गीता कहती है अगर अपना माइंड कंट्रोल्ड है तो हमारा दोस्त है, और अगर हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड है तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, उसी टाइम पे आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले लीजिए कि जब आपका दुश्मन बने ये मन, तो आप उसके चक्कर में ना फंसे और आप वहां पे बच जाएं। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशंस जो आप कर सकते हैं अगर आपको इन सब चीजों में दिक्कतें हो रही हैं। तो सबसे पहले और सबसे प्यारा अपना दोस्त मोबाइल। मोबाइल एक अच्छी चीज है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये एक बुरी चीज भी है। जैसे कि अगर एक चाकू है, वो चाकू, मेरे पास चाकू है ये रहा, तो अगर ये चाकू एक सर्जन के हाथ में रहे, एक डॉक्टर के हाथ में रहे, तो ये एक जीवन बचा सकता है। लेकिन अगर यही चाकू एक चोर के पास रहे तो ये किसी का जीवन ले भी सकता है। तो सेम सिचुएशन है मोबाइल के साथ भी। अगर ये मोबाइल को ढंग से यूज किया जाए तो ये अपनी जिंदगी बना सकता है, लेकिन अगर हमने इसका ढंग से यूज नहीं किया तो ये हमारी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपने मोबाइल को तब तो यूज कर पाएंगे जब आपकी जिंदगी बना रहा है, और जब ये आपकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो ये नहीं कर पाएगा। उसके लिए बेटा जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, और जो अगली भी जितनी भी 2 मिनट 5 मिनट की जो वीडियो, उसको ध्यान से देखिएगा और लिख लीजिएगा जो जो मैं बातें बताऊं। पहली चीज, आपने देखा होगा कि एक पेरेंटल कंट्रोल एप्स आती हैं आज के दिन, बहुत सारी एप्स रहती हैं, लेकिन अगर आप खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो एंड्रॉइड एंड iOS दोनों में इनबिल्ट ऑप्शन भी है पेरेंटल कंट्रोल का। एंड्रॉइड में फैमिली लिंक नाम से है एंड iOS में फैमिली शेयरिंग के नाम से है। जो ये फैमिली लिंक या फैमिली शेयरिंग जो एप्स हैं, ये क्या करती हैं, इन एप्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसी एक बड़े इंसान की। वो बड़ा इंसान आपका खुद का बड़ा भाई या बड़ी बहन हो सकते हैं, वो आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, या वो कोई भी एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी केयर करता है, वो चाहता है कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल बनो, और आपको उस बंदे के सामने अपना दिल खोलना पड़ेगा। आपको उस बंदे को बताना पड़ेगा कि मैं इस तरीके की आदतों में फंस चुका हूं, मोबाइल मेरा बहुत ही ज्यादा समय ले रहा है, आप मुझे प्लीज इससे बचाइए। और वो क्या करेंगे, वो आपके मोबाइल में ये पेरेंटल कंट्रोल एप्स जो मैंने दो बताई आपको, वो इंस्टॉल कर देंगे। आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल, आप जैसे नाम डालेंगे आ जाता है कि कैसे इनका यूज किया जाता है। और वो आपके लिए दो काम करेंगे, वो उसके अंदर पहली सेटिंग ये करेंगे कि जो आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल का स्क्रीन ओपन ही नहीं हो सकता रात के 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक। जो ये रात के 10 से सुबह का 6 बजे तक का समय रहता है, ये हमारे माइंड को एजिटेट करने के लिए सबसे खतरनाक समय रहता है। इसी दौरान हम सारी गंदी आदतों में फंसते हैं, पोर्नोग्राफी, मूवी देखना, ये सब उसी दौरान होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक आपका फोन ऑन ही ना हो सके, इस तरीके की सेटिंग करवानी है। उस दौरान आप उसमें इमरजेंसी कॉल्स कर सकते हैं, ये उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऑप्शंस रहता है। दूसरा, आपको उसके अंदर अपना स्क्रीन टाइम सेट करवाना है। स्क्रीन टाइम रहता है कि कितनी देर तक आप अपने फोन का यूज कर सकते हैं, तो उतनी देर तक, जैसे कि आपने 2 घंटे का स्क्रीन टाइम सेट करवा दिया, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो स्क्रीन है वो 2 घंटे से ज्यादा अगर ऑन रहा तो ऑटोमेटिकली उस दिन के लिए आपका फोन बंद हो जाएगा और फिर आप उसको अगले दिन यूज कर सकते हैं।
तो ये जो स्क्रीन टाइम है ये 2 घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और उस 2 घंटे को हमें कब यूटिलाइज करना है, हमें यूटिलाइज करना है सुबह के समय। आपको जो भी अपनी YouTube से पढ़ाई करनी है, जो भी आपको अपने इंस्टीट्यूट की ऐप वगैरह से सॉल्यूशन देखने हैं, वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, वो आप सुबह 2 घंटे का टाइम उसमें दे दीजिए, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का, क्योंकि इस दौरान आपका माइंड बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, सेफ जोन में रहता है। सर अगर हमें रात के टाइम डाउट आया तो हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, उस डाउट को आप अपना मार्क कर लीजिए और सुबह के टाइम ही उसे देखिए, रात के टाइम हमें बुक से ही पढ़ना है। इन एप्स का एक और फायदा है कि ये ऑटोमेटिकली जो भी बेकार साइट्स रहती हैं उनको ब्लॉक्स कर देती हैं। तो जिससे क्या होगा कि जब भी आपका माइंड अगर एजिटेट हुआ भी तब भी आप उन साइट्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और एक छोटी सी कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो चीज आपकी साइट में नहीं आती, आपकी नजरों में नहीं आती है, वो आपके माइंड के अंदर भी नहीं आती है। तो अगर कुछ चीज को आप एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं तो उसके कारण ये होगा कि आपके माइंड में भी इस तरीके की बुरी चीजें नहीं चलेंगी, जो कि एक स्टूडेंट के लिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगली चीज, सोशल मीडिया। इन ऐप्स के थ्रू आप अपने मोबाइल के अंदर बिल्कुल ब्लॉक करवा सकते हैं कि आप किस किस ऐप्स का यूज नहीं करना चाहते हैं। तो आपको जो भी आपका रिलेटिव है आपको उसको क्लियरली कहना है कि आप इसके अंदर फेसबुक वगैरह को अनलॉक करने की अनुमति ना दे मुझे। अगली चीज, कई बार क्योंकि हमारा मन है तो हम कहीं और भी ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं कि मैं वहां जाके फेसबुक चला लूंगा। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मैं जब कोटा में पढ़ता था 2007-08 में, 11th-12th क्लास में, तो एक बार क्या हुआ कि मैं साइबर कैफे गया। उन दिनों इंडिया में फेसबुक बिल्कुल नया आया था, तो मैंने भी अपना फेसबुक अकाउंट बनाया था और मैं साइबर कैफे में गया, जाके अपना फेसबुक चला रहा था। वो चलाते हुए थोड़ी सी देर में फिर गजनी मूवी भी आई थी, तो मैं गजनी मूवी भी देखने लग गया बैठ के। और ऐसे देखते देखते 1 घंटा बीत गया। जब ये 1 घंटा बीत गया तब मुझे होश आया कि मैं करने क्या लग रहा हूं, क्या मैं कोटा ये करने आया था, क्या मैं यहाँ पे फेसबुक और गजनी मूवी देखने आया था। अंदर से आवाज आई, नहीं, आप तो यहाँ पे पढ़ने आए थे, तो मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूं, मैं यहाँ पे कैसे पहुंच गया। और मेरे पहुंचने का कारण था मेरा फेसबुक अकाउंट, मैंने उसको उसी टाइम पे डिलीट कर दिया। आपके अंदर ऐसा हो सकता है कि हम, सर हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपना फेसबुक डिलीट कर पाए, कोई बात है मत करिए, लेकिन आप जो उसका पासवर्ड वगैरह है वो किसी एक दूसरे बंदे से चेंज करवा लीजिए, आपका कोई भी दोस्त हो, रिलेटिव हो, सगा संबंधी हो, जो कि जब आप एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ तो वापस आपको पासवर्ड दे दे और आपको इसको यूटिलाइज कर सको। देखिए, एक बात समझिए कि इस दुनिया में ना तो फेसबुक कहीं पे जा रहा है, ना यूट्यूब कहीं पे जा रहा है, लेकिन आपके जीवन के जो इतने महत्वपूर्ण ईयर्स हैं वो बहुत तेजी से चले जाएंगे। तो हमें ये 2 चीजें बहुत अच्छे से करनी है। ये जो 2 काम मैंने बोले आपको, आप इन 2 कामों को कीजिए। और अगर आपको लगे कि जो मैंने आपको साथ ही वीडियो बनाई है आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसको हर एक स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, क्योंकि बच्चे उस शिकारी की तरह किसी के साथ ये चीज शेयर नहीं कर पा रहे हैं और उनको अंदर ही अंदर ये लोमड़ी खाए जा रही है। मैं इसका दूसरा भी पार्ट लेके आऊंगा जिसमें मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें भी शेयर करने वाला हूं जिनको मैं प्रैक्टिकली करता था और जिनसे मेरी खुद की एफिशिएंसी बढ़ी।